उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ में दौरा, मुजरापुर किशनदासपुर में मुख्यमंत्री का दौरा, मुख्यमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का पैकेज 7 का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों से बैठक करने के बाद जनता से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात। नवबारा समाचार लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला। आजमगढ़ के विकास के लिए संकल्पित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में एक सुंदर देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। कमिश्नर हैं यहाँ के, डीआईजी यहाँ के, जिलाधिकारी यहाँ के, एसएसपी और अन्य यूपीडा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे श्री देवेंद्र यादव जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती शकुंतला चौहान जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री सहजानंद राय जी, अरविंद जायसवाल जी, मंजू सरोज जी, जयनाथ सिंह जी और उपस्थित आजमगढ़ जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, ये सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग बनाकर के तैयार करें और एक्सप्रेसवे को बनाने के साथ फिर यहां पर हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाए, जिससे औद्योगिक निवेश और उसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी उसके साथ जोड़ा जा सके। इसकी तैयारी की जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और उसी दिन से मैं यहाँ पर आपके बीच में इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए आया हूँ। आप सभी इस अवसर पर आए हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जब हम लोग अप्रैल माह में प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से फिर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो दुनिया देखेगी कि 18 में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण संपन्न हुआ, प्रारंभ हुआ था, 3 साल का लक्ष्य था और वैश्विक महामारी कोविड के बावजूद 3 साल से पहले ही हम इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दे रहे हैं। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को लेकर के आगे आएगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आज के इस निरीक्षण कार्यक्रम मैं यहाँ पर जनता के संवाद के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के, आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा और इस दिश से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी और आजमगढ़, अनुमान करिए आज से 3-4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे, आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। यहां का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे, लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है।
और आशा की किरण एक्सप्रेसवे यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रखकर के बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहां की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। प्राधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित